हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि टेन्यू और जंगशान दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। टेन्यू जंगशान को कोट पहना देता है क्योंकि उसे सर्दी लग रही होती है और दोनों काफ़ी अच्छा वक्त वहाँ पर बिताते हैं। अब दोनों होटल आ रहे होते हैं और रास्ते में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब करीब चल रहे होते हैं। अब टेन्यू अपने कमरे में चला जाता है, जंगशान उसे कोट लौटाने के लिए वहाँ पर जाती है तो वहाँ मिस शिन होती है। शिन जो है उसको बोलती है कि मुझे दे दो, मैं दे दूँगी। वो देकर वहाँ से चली जाती है। शिन अंदर टेन्यू को वो कोट देती है तो वो बोलता है क्या वो चली गई, तो वो बोलती हाँ वो चली गई। तो वो कहता है कि ठीक है, हम सुबह बात करेंगे बिजनेस के बारे में, तो तुम भी चली जाओ। वो उसे वहाँ से भेज देता है। शिन बहुत ही उदास होती है क्योंकि वो भी टेन्यू को पसंद करती है लेकिन वो उसे बोल ही नहीं पाती है कभी। यहाँ पर जंगशान और टेन्यू दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में ही होते हैं। इस सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लंगशान दिखाया जाता है जिसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ रही होती है। वो डॉक्टर से बताता है इस बारे में। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी बहुत सालों की यादें चली गई हैं, अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। तो वो बोलता है हाँ मैं ध्यान रखूँगा। आगे दिखाया जाता है टेन्यू जो है जंगशान को लेकर अपनी नानी के यहाँ पर जाता है। वो अपनी नानी से उसको मिलाता है और वो भी बहुत खुश हो जाती है इतने सालों के बाद जंगशान को देखने के बाद। वो जंगशान को बहुत प्यार से बातें करती है। वो टेन्यू को पानी लेने के लिए भेज देती है और पीछे से बोलती है कि तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। तो वो बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। नानी उसे बहुत प्यार से बताती है कि टेन्यू बहुत ही सीधा लड़का है, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। बचपन में उसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था और उसके दादाजी भी बहुत ज़्यादा सख्त थे उसके ऊपर, इसलिए वो कभी भी खुलकर जी ही नहीं पाया। वो हमेशा बहुत ध्यान रखता है। मैं जब तक उसके साथ थी उसका ख्याल रखती रही लेकिन अब मैं भी नहीं हूँ उसके साथ, तो क्या तुम उसका ख्याल रखोगी, मुझसे वादा करो। जंगशान वादा कर लेती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें दिखाते हैं कि टेन्यू जो है फ्रांस जाने के लिए टिकट बुक कर रहा होता है। जिंजर बोलता है कि अगर दादाजी को पता चला तो वो आप पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। टेन्यू बोलता है कि हम उसे मिलने नहीं जा रहे, हम सिर्फ दूर से देखेंगे, इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकता हूँ ना। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लंगशान जो है उसे सपना आ रहा होता है, उसे अपने बचपन की यादें दिख रही होती है। जागने के बाद वो उस फूलों की तस्वीर को देख रहा होता है और उसे देखकर उसे सारी बचपन की सारी यादें आ जाती है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, फिर वो हंसने लग जाता है और वो जंगशान का नाम पुकारता है जैसे कि उसे सब याद आ गया है। अगले दिन वो एक नोट छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जंगशान को ढूंढने के लिए वापस आ जाता है अपने गांव। जंगशान बैठी हुई होती है, टेन्यू उसके पास में आता है तो वो बहुत खुश होती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, कम से कम तुम मुझे मेरे भाई को दूर से तो दिखा दोगे। वो बोलता है कि अभी हम नहीं जा सकते हैं, मैं तुम्हें बस यही बताने आया था। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो लेकिन अभी तुम्हारे लिए एक खबर है। तो वो बोलती है क्या, तो वो बताता है कि लंगशान जो है वो कहीं चला गया है और अभी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गया है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो बोलता है शायद उसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी लौट रही थी, ये सब बातें मैंने सुनी हैं। ये सुनकर वो भी बेचारी परेशान हो जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि नियान जो होती है वो भी वापस आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। वो जाती है टेन्यू के पास और बोलती है कि क्यों कर रहे हो उस लड़की की मदद, आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो बोलता है क्या बात हो गई है। तो वो बोलती है कि वो जंगशान जो है वो बदला लेने के लिए ही तो आई है क्योंकि उससे उसका भाई छीन लिया गया और सब उसके साथ बुरा हुआ, तो वो बदला लेने आई है। ये सब सुनकर टेन्यू हंसने लग जाता है और बोलता है कि बस ठीक है, अब बस बहुत हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से, मैंने सुन लिया। ये कहकर वो उसको रवाना कर देता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंगशान की जो सहेली होती है वो दो दिन के लिए कहीं जा रही होती है, तो वो टेन्यू को फ़ोन करके ये सब बातें बताती है और कहती है कि दो दिन के बाद मैं ट्रिप के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप पीछे से जंक्शन का ख्याल रख लेंगे। तो वो बोलता है हाँ ज़रूर रख लूँगा, फिक्र मत करो। वो बोलती है कि ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये कहकर वो फ़ोन को कट कर देती है।
आगे नियान जो होती है वो जंगशान से मिलने के लिए भी जाती है और उसे बहाने बता रही होती है कि ना लंगशान तो ट्रिप पर गया हुआ है ये सब, लेकिन जंगशान उसे सारी बातें बोल देती है। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता, तो वो बोलती है इतनी दूर हूँ तो क्या हुआ, मुझे मेरे भाई की सारी खबर रहती है, समझ गई ना। और वो उसी को सुना देती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे सीन में हमें दिखाते हैं कि लंगशान जो है अंकल चैन के साथ बात कर रहा होता है और वो जंगशान के बारे में सारी जानकारी निकलवाता है। तो अंकल चैन जो है वो सब उसको बता देते हैं और घर का एड्रेस वगैरह भी सब कुछ दे देते हैं उसको। वो बोलता है कि अंकल मेरे लिए इतना काम कीजिएगा कि अभी किसी को भी मत बताइएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। आगे हमें दिखाते हैं कि जंगशान जो है वो अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद रास्ते से चल के जा रही होती है तो उसे रास्ते में लंगशान दिखाई दे जाता है। वो उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ती है और चिल्लाती है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लंगशान जो है वो भागता हुआ आता है और उसे उठाता है अपनी गोद में और उसे देख कर जंगशान बोलता है और फिर वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है, चला जाता है। टेन्यू भागता हुआ वहाँ पर आता है और पूछताछ करके वो जंगशान के पास पहुंच जाता है। उसे ठीक देखकर उसे उसकी सांस में सांस आती है। जंगशान जो है टेन्यू को सारी बातें बता देती है कि उसने लंगशान को देखा था और उसे लगता है कि वही उसे हॉस्पिटल भी लेकर आया था। ये बात सुनकर वो कहता है ठीक है मैं सब कुछ पता कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम आराम करो। और वो पूरी रात उसके साथ ही बैठा हुआ होता है। आगे हमें दिखाते हैं टेन्यू बाहर आकर जिंजर को फ़ोन कर देता है और पता लगाने के लिए बोल देता है और फिर जाकर वो जंगशान के पास बैठ जाता है। काफ़ी रात हो गई होती है तो वहाँ पर लंगशान आता है। लंगशान खिड़की में से उसको देखता है। वो कहता है कि मैं कहीं तुम्हें फिर से ना भूल जाऊं और इतने दिन जो तुमने तकलीफ़ सही है दोबारा तुम्हें वो ना दे दूं, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं तुमसे ना मिलूं और मैं तुम्हारे करीब कभी भी ना आऊं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि लंगशान नहीं चाहता कि उसकी बहन को फिर से कोई तकलीफ़ हो। सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जंगशान जो है घर पर आ जाती है। टेन्यू उसका ख्याल रख रहा होता है और वो बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखो, समझ गई, और सो जाओ। वो उसे कल मिलने का वादा करके और उसके भाई के लिए भी बोल देता है कि उसका भाई ज़रूर ठीक होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ पता लगा लेगा और कल मिलने आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वो सुबह ही उस वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि उसे पता होता है जंगशान जो है इतनी आसानी से मानने वालों में से तो थी नहीं, वो अपने भाई को ढूंढने ज़रूर जाएगी। वो उसे बोलता है कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए खबर लाया हूँ कि वहाँ तुम्हारा भाई नहीं था। ये सुनकर वो बोलती है ठीक है मैं ध्यान रखूँगी। आगे टेन्यू को दिखाया जाता है जो अपने कार में जा रहा होता है। जिंजर उसे बोलता है कि सर आप इतना काम क्यों कर रहे हैं। जिंजर कहता है कि सारी रात तो आप काम करते हैं और दिन में आप उनके साथ रहते हैं तो आप अपनी सेहत का तो ख्याल ही नहीं रखते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। तभी जंक्शन का फ़ोन आ जाता है तो वो इशारा करके जिंजर को चुप रहने के लिए बोल देती है। वो उसे बताती है कि फ्लावर शॉप के लिए उसे जगह मिल गई है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं आऊँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो वो कहती है नहीं, आज शाम को मेरी फ्रेंड अब वापस आ जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर सब तैयारी कर लेंगे। तो वो कहता है ठीक है मुझे भी लोकेशन भेज दो, मैं भी जल्द ही मिलता हूँ तुमसे। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें फ्लावर शॉप ओपन दिखाई जाती है और काफ़ी सजा रही होती है जंगशान उसको। टेन्यू वहाँ पर आ जाता है और वो भी उसकी मदद करता है। वो अपनी फ्लावर शॉप में बहुत खुश होती है और अपने फ्लावर शॉप को अच्छे से चलाने लग जाती है। उसे एक फूलों का ऑर्डर दे देता है। वो पूछती है कि ये किसके लिए, तो वो बोलता है कई सालों के बाद मुझे वो मिली है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो आप बताइए मुझे कौन से फूल देने चाहिए। वो उसे बता देती है तो वो उसे एड्रेस सेंड करता है तो वो समझ जाती है। वो कहती है कि चेन टेन्यू तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मेरे ही फूल मुझे ही भेज रहे हो। तो वो बोलता है कि ठीक है एड्रेस चेंज कर लो, अब मेरी कंपनी को भेज देना तुम फूल। ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाता है जंगशान जो है छाबू के पास जाती है और वो उसे अपने भाई के बारे में बताती है और बोलती है कि यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं घर ही आई हूँ। तो वो कहता है तो तुम हमेशा आया करो ना, तुम बहुत दिनों में तो आती हो यहाँ पर। सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे सीन में हमें दिखाते हैं कि लंगशान जो है अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा होता है लेकिन वो उसके पास भी नहीं जा पा रहा होता है। आगे हमें दिखाते हैं क्लब में एक लड़की बैठी हुई होती है और उसे कोई लोग छेड़ रहे होते हैं। शाबू उसकी हेल्प करता है तो वो लड़की उसके
उसको मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें दिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो फूल लेने के लिए जंगशान की शॉप पे आता है। वो बताता है कि उसकी मम्मी डेथ एनिवर्सरी के लिए उसे फूल चाहिए। उसके पास खास पैसे भी नहीं होते, लेकिन जंगशान उसे वो फूल फ्री में दे रही होती है, लेकिन वो लड़का लेता नहीं है। इसीलिए वो उसे 1 रुपया ले लेती है और कहती है कि ठीक है चलो ले जाओ इसे। उसकी सहेली कहती है तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो। और उसके बाद उसकी फ्लावर शॉप भी बहुत अच्छी चल रही होती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में फिर से वो लोग नैना से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत दुखी दुखी नज़र आ रही होती है। वो अपने बारे में सब बता रही होती है अपने। वो बोलती है कि अगर किसी को कोई चाहता है तो उसे बता दे तो ठीक रहता है, सही टाइम पे बताना ही ठीक रहता है, वरना पछतावा होता है और फिर पछताने से क्या फ़ायदा। वो सब बातें सुनकर वो लोग दोनों पहले तो सोच में पड़ जाते हैं, फिर बाद में वहाँ से निकलते हैं। तो टेन्यू बोलता है क्या तुम हम दोनों साथ हो सकते हैं। ये सुनकर जंगशान बोलती है कि मगर, तो वो कहता है देखो अभी तुम अपना वक्त ले लो, मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम मुझे अभी जवाब दो। मैं एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे बता देना, तब तक मैं तुम्हें कोई भी फ़ोन नहीं करूँगा, परेशान भी नहीं करूँगा। तो वो बोलती है कि अगर मुझे फ़ोन करना हो तो वो कहता है तुम तो ज़रूर कर सकती हो, मैं पक्का जवाब दूंगा। सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें उसे बैठे हुए दिखाया जाता है। वो अपनी सहेली के साथ में होती है, वो घड़ी घड़ी फ़ोन देख रही होती है। तो उसकी सहेली उसे छेड़ती है, कहती है कि अब तुमसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा है क्या, जवाब देने में इतनी जल्दी मचा रही हो। वो कुछ नहीं बोलती है और शर्माने लग जाती है। तभी एक न्यूज़ आती है कि चेन्नई का प्लेन जो है उसमें कुछ ख़राबी हो गई है, इस वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये सुनकर वो घबरा जाती है और फौरन एयरपोर्ट पहुंच जाती है। काफ़ी वक्त इंतज़ार करने के बाद टेन्यू उसे नज़र आता है और उसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है और जाकर उसके सीधे गले लग जाती है। वो समझ नहीं पाता है। तभी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही होती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर वो उसे अच्छा लगता है और वो उसे कस के गले लगा ले। तो फ्रेंड्स एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।